Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Muawana Asatza ya Walidain, Baraye Meherbani Bacche ko agle sabak se pehle pichle sabak ki revision karwayein. Today's work, open your book of English, Alphabet Fun, N to Z. On page number 8, today we will learn letter N, which is 14th letter of English alphabet and comes after letter M. Small and capital N ki likhai ka tarika alag hai, sound same hai. Barai meherbani bachche ki tawajjo letter N ki taraf dilayein. This is a picture. Its name is N. Its sound is N. 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 ये एक तस्वीर है. इसका नाम है N. इसकी आवाज है N. 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 Now put your finger on the picture on page number 8. Nest, N, N, nest, N, N, nest. Now let's read sentence. Nests are homes for birds. Nests are homes for birds. Nests are homes for birds. अब हम capital and small n को trace and write करना सीखेंगे. पहले capital n. Capital n को trace and write करते हुए three steps को follow करना है. तीनों steps तस्वीर पर वाज़िया हैं. पहले अपनी फिंगर की मदद से कैपिटल एन को ट्रेस करें. लेफ्ट साइड पहले रेड डॉट पे अपनी फिंगर रखें. डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बनाएं. अब दूसरे रेड डॉट पे अपनी फिंगर रखें. डाउनवर्ड स्लांटिंग लाइन. अब तीसरे रेड डॉट पे अपनी फिंगर रखें. अपवर्ड स्ट्रेट लाइन. अब अपनी पेंसिल की बारीक नोक लेफ्ट साइड पहले रेड डॉट पे रखें. Downward straight line. अब अपनी पेंसिल की बारीक नोक दूसरे रेड डॉट पे रखें. Downward slanting line बनाएं. अब अपनी पेंसिल की बारीक नोक तीसरे रेड डॉट पे रखें एंड अपवर्ड स्ट्रेट लाइन बनाएं. अब हम कैपिटल एन को राइट करना सीखेंगे. कैपिटल एन को राइट करते हुए राइटिंग पैटर्न फॉलो करें. कैपिटल एन ऊपर वाली थ्री लाइंस में लिखा जाएगा. पहली लाइन से स्टार्ट करें. लेफ्ट साइड डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन. अगेन पहली लाइन से स्टार्ट करें. डाउनवर्ड स्लांटिंग लाइन. अब तीसरी लाइन से स्टार्ट करें एंड अपवर्ड स्ट्रेट लाइन. अब हम स्मॉल एन को ट्रेस एंड राइट करना सीखेंगे. स्मॉल एन को ट्रेस एंड राइट करते हुए टू स्टेप्स को फॉलो करना है. दोनों स्टेप्स तस्वीर पर वाज़िया हैं. पहले अपनी फिंगर की मदद से स्मॉल एन को ट्रेस करें. पहले रेड डॉट पे अपनी फिंगर रखें. डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बनाएं. अब दूसरे रेड डॉट पे अपनी फिंगर रखें. ऊपर से कर्व शेप, नीचे से उसको स्ट्रेट लाइन बना दें.
अब अपनी पेंसिल की बारीक नोक पहले रेड डॉट पर रखें, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। अब दूसरे रेड डॉट पे अपनी पेंसिल की बारीक नोक रखें, ऊपर से कर्व शेप बनाएं एंड देन स्ट्रेट लाइन। अब स्मॉल एन को लिखना सीखेंगे। स्मॉल एन को लिखते हुए राइटिंग पैटर्न फॉलो करें। स्मॉल एन मिडल वाली टू लाइंस में लिखा जाएगा। दूसरी लाइन से स्टार्ट करें, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बनाएं। अगेन दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे से कर्व शेप बनाएं, देन स्ट्रेट लाइन। दिस इज हाउ वी ट्रेस एंड राइट कैपिटल एंड स्मॉल एन। लेटर एन का काम दो दिनों में मुकम्मल करें। दोनों दिन लेटर एन विद साउंड एंड सेंटेंस रिवाइज करें। पहले दिन का काम, ट्रेस लेटर एन एंड डू एक्टिविटी, कलर द एग्स विद कैपिटल लेटर एन ऑन पेज नंबर 9। याद रहे, लेटर एन को ट्रेस एंड राइट करते हुए राइटिंग पैटर्न फॉलो करें। Day 2, color the sample letter N and the picture on page number 8. Allah Hafiz.